Exercise today we will start exercise 17A chapter number 17 construction of quadrilateral. इस chapter में हम construction करेंगे quadrilateral का, तो उसके लिए हमें पहले given value दी गई होंगी. आपने class 7th में भी आपने construction पढ़ा है. 17A में हमारा दिया गया है. हमारा question number 1 है, उसमें AB की value दी है, BC की दी है, CD की दी है, DA की दी है और AC की value दी है. तो सबसे पहले हमें graph स्केच बनाएंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन सी वैल्यू हमारी कहाँ पे आई. तो हमने सबसे पहले ले लिया एबी, एबी को ले लिया, एबी को पुट कर लिया. हम रफ स्केच को हम बिना किसी भी प्रोटेक्टर या फिर हम किसी भी उसके स्केल वगैरह के बनाएंगे, उसको डायरेक्टली बनाएंगे हम. तो सबसे पहले हमने एबी लिया, वैसे हमने रख लिया इसको, एबी को यहाँ पे रख लिया, 4.2 का ले लिया. देन उसके बाद हमने लिया बीसी, बीसी को हमने ले लिया. फिर उसके बाद हमने सीडी देखा, सीडी हमारा यहाँ से आ जाएगा, डी हमारा यहाँ से आ जाएगा और एसी यहाँ से. रफ स्केच से क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी और हमारा कंस्ट्रक्शन हमारा कम्प्लीटली बन रहा है या नहीं. इससे हमें पता चल गया कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, हमारी साइज हमारी सेटअप हो गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे. अब हम कंस्ट्रक्शन करने की शुरुआत करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट करेंगे. हम राइट साइड के पेज के राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे. तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, ए बी ले लिया. तो उसी के हिसाब से हम स्टेप भी अपने कंस्ट्रक्शन के लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा फिगर भी बनेगा और वो भी लिखेंगे. तो सबसे पहले हमने एक स्केल लिया, स्केल को रखा और उसमें 4.2 की डिस्टेंस ले लिया हमने. तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4.2 सेंटीमीटर हमने ले लिया. देन उसके बाद क्या किया, विद बी एस सेंटर, बी को सेंटर लिया. इस बार हम कंपास लेंगे, कंपास में 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरह से. एक आर्क लगाएंगे, बी को सेंटर मान के हम एक आर्क लगा दिए, ये आर्क आ जाएगा हमारा इस तरह से. उसके बाद क्या किया हमने, विद ए एस सेंटर ड्रॉ 2 आर्क, इसके ऊपर हमने 2 आर्क लगाने हैं. क्यों आर्क लगाने, दो, क्योंकि एक ए से हमारा ए डी भी हो रहा है और एक ए से हमारा ए सी भी हो रहा है, एक ए डी भी है और एक ए सी भी है. तो 2 आर्क लगेंगे, एक तो ए डी वाला लग गया यहाँ से ऐसे ये वाला और एक ए सी वाला लग गया. 2 आर्क लगा दिए. रेडियस हमारा एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर का और एक रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर का, दोनों आर्क लगा दिए. देन उसके बाद सी सेंटर. अब हमने क्या किया, जैसे हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे एक आर्क है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी एक आर्क था. अब जब हमने इस आर्क को लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आर्क हो गए हमारे इस तरह से. अब हमारा एक सेंटर पॉइंट बन गया यहाँ से. तो हमने क्या किया, 5.2 का डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ पे लगा दिया. अब यहाँ पे ये 2 आर्क हो गए, यहाँ पे 2 आर्क हो गए, ये भी 2 आर्क हो गए. तो यहाँ से अब हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2 आर्क के बाद. तो हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में हमने विद सी सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2, ज्वाइन ए डी, ए डी को हमने ज्वाइन किया यहाँ से, इसको ज्वाइन कर दिया, ए सी को ज्वाइन किया हमने, सी डी को ज्वाइन किया और बी सी को ज्वाइन किया. इसलिए इस तरह से हमें ए बी सी डी हमारा एक रिकॉर्ड क्वाड्रिलेटरल हमें मिल जाएगा. ये तो था हमारा साइड से रिलेटेड. अब हमारा एंगल वाला दिया गया हुआ, तो क्या करें, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है. 1 से लेके 6 तक तो आपके जो क्वेश्चन है आपके साइड वाले, इसमें एंगल वाले हैं. जहां पे भी एंगल दिया गया हुआ, सेम कंडीशन हमारी ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है और बी पर एंगल बना हुआ है. बीच में जहां पे एंगल होता है वहां पे एंगल लेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा कि ए बी ले लेते हम, ए बी ले लेते हैं तो ए बी बी हमारा यहाँ जाएगा. तो मैंने इस बार क्या लिया, बी सी लिया, ए बी ना लेकर के मैंने बी सी ले लिया है. बीसी एक ड्रॉ कर ली, इसलिए ये मैंने अभी वैसे ही बनाया है. बीसी मैंने ले ली, रफ स्केच है हमारा, बीसी ले ली यहाँ से पहली वाली, बीसी यहाँ आ गई तो ए बी मेरी यहाँ पे आएगी, क्योंकि बी सी बी ए तो ए बी यहाँ पे आ गई. ए बी के लिए ये मैंने यहाँ पे ले लिया और ए डी मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली और सी डी मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली और बी पे मैंने एंगल बना लिया 120 का. तो ये तो रफ स्केच ओनली. तो मेरा इस तरह से अगर मैं रफ स्केच बनाया वो बन रहा है, तो मेरा ओरिजिनल डायग्राम भी आराम से बन जाएगा. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी, बीसी लाइन सेगमेंट मैंने स्केल से बना ली 3.5 की. मेक बीएसी ए बी सी, ए बी सी एंगल एबीसी बनाया. एबीसी का मीन्स है बी पर एंगल बनना है 120 डिग्री का. इसको आप उससे ही बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो या प्रोटेक्टर से ही बना सकते हो. तो यहाँ पे रखने के बाद मैंने 120 का बना लिया. ये लाइन हमारी इमेजिनरी लाइन है, कितनी भी लंबी बना सकते हैं इसको, चाहे कितनी भी डिस्टेंस की बना सकते हैं इसको. देन उसके बाद मैंने बी को सेंटर माना, क्योंकि हमारी बी पे हमारी ये वाली तो हमने डिस्टेंस ले ली, अभी बी वाली ये वाली बची हुई है. तो हमारी बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, 3.5 है. तो मैंने 3.5 का एक आर्क लगा लिया. तो अब ये यहाँ पे एक्चुअल आर्क लग गया यहाँ पे.
इस तरह से। तो ये हमारा एक एक्चुअल आर्क लग जाएगा यहाँ पे लाइन पर। अब मैंने कह दिया सी पर, सी से और डी तक का डिस्टेंस 5.2 का, तो सी से मैंने एक आर्क लगा दिया इस तरह से, सी से एक आर्क लगा दिया, तो ये एक आर्क यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे 120 का लगने के बाद, यहाँ से ये एक आर्क लगाने के बाद एक यहाँ पॉइंट बनना था सेंटर पॉइंट। तो अब क्या किया मैंने, विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ ऑफ रेडियस 5.2, यहाँ से एक आर्क ऐसे लगा दिया, तो यहाँ से एक आर्क लग गया। अब क्या करेंगे, अब ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन एडी, एडी को ज्वाइन किया क्योंकि ये लाइन तो हमारी पहले से बनी हुई है, और सीडी, सीडी को ज्वाइन किया, और इस तरह से हमारा एबीसी एक रिफ कार्ड पर्डिनेटल हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 17A के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं।